तो मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से किसी चीज़ को पाने की जस्तजू की जाए तो खुदा रास्ते बना देता है। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनसे मैं एक इवेंट पे मिली। जब मैं उनसे एक इवेंट पे मिली तो वहाँ पे एक कपड़ों का बहुत खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ था। हर लड़की की तरह मुझे भी शौक़ हुआ और मैं चली गई कपड़े ख़रीदने। लेकिन जब मैं वहाँ पे कपड़े ख़रीद रही थी तो मैंने देखा कि उन कपड़ों में बड़ी एक यूनिक सा बड़ा डिज़ाइन था, बहुत खूबसूरत कढ़ाई हुई हुई थी। तो मैंने सोचा मैम से पूछूं कि मैम ये आप कैसे बनाती हैं, कहाँ बनता है ये। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये खुद करते हैं, खुद हाथ से बनाते हैं और बहुत डेलिकेट काम होता है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। और इन कपड़ों की ख़ास बात ये थी कि उस हर कपड़े में कल्चरल रिप्रेजेंटेशन थी डिफरेंट जगहों की। मुझे ये आइडिया बड़ा इंस्पायरिंग लगा और मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि ये आइडिया इनके पास कहाँ से आया। जब मैंने इनसे ये बात की तो उन्होंने मुझे अपने सफ़र का एक छोटा सा हिस्सा बताया, जिसे जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी तो मुझे आप लोगों तक भी पहुँचानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत लोग मोटिवेट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन माशरे के आगे, हालात के आगे हार मान जाते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो आइए इनकी क्या कहानी है, इनसे जानते हैं क्या इन्होंने चैलेंजेस फेस किए, किस तरह से स्ट्रगल करते हुए ये आज अपने प्रोफेशन में एक कामयाब प्रोफेशनल हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मैम कहाँ से ये सारा शुरू हुआ जो आपका एक प्रोफेशनल फील्ड है इसमें आप माशाल्लाह एक्सेल कर रही हैं आज? एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ। ओके। बल्कि टीचर थी और उससे पहले ये ज़माना है तालिबे इल्मी में मैं रेडी पाकिस्तान इस्लामाबाद और तराड़खल आज़ाद कश्मीर से और इस्लामाबाद रेडी पाकिस्तान से मैं अनाउंसमेंट और कंपेयरिंग किया करती थी। अच्छा। वो ज़माना है तालिबे इल्मी था। जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक था? वो ज़माने तालबेनी था। उसके साथ साथ मैं रुबा वाइशा के साथ कॉलम लिखा करती थी रोज़ाना जर्नल में, और ये मेरे शौक़ थे। ठीक है। लेकिन कुछ अर्से बाद मुझे लगा कि ये शौक़ मुझे कंफर्टेबल नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें शोहरत तो है लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे अर्निंग अच्छी नहीं थी। ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है फिर रुझान इंसान का चेंज हो जाता है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं टीचिंग के शोबे में आ गई। मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में 6 साल तालीम ली, उसमें गुजारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर अगर आप कहते हैं कि मैं बुटीक तक कैसे पहुँची, तो उसमें ये था कि हर औरत को शुरू से ही कपड़ों का कुछ शौक होता है। फिर मेरा जो यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट था वो डिज़ाइनिंग का भी था, ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी था। शादी के कुछ अर्से के बाद मेरे हस्बैंड को अचानक बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, तो मैंने ये सोचा कि मेरी तालीम और मेरा तजर्बा किस दिन काम आएगा, क्यों ना मैं कुछ ज्वाइन कर लूँ। तो मेरे तमाम इन लॉज जो होते हैं वो इंग्लैंड में ही हैं। मैं वक्तन फवक्तन उनको ड्रेसेस बना के भेजा करती थी। मेरी अपनी सिस्टर हैं, उनको बहुत सा सामान जाया करता था मेरा। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो एप्रिसिएशन है वो मिलती गई। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे टीचिंग से ज़्यादा ये चीज़ जो है वो कंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि जाहिर है मेरे बच्चे हैं, मेरा घर बार है। इंसान को अपना शौक़ उस वक्त ही अच्छा लगता है जब आपको उससे कुछ अर्न भी हो रहा हो। सो मेरे बुटीक में आने का, बुटीक की तरफ आने का मेरा ये सबब बना। तो क्या मोटिवेशन थी मुझे जब आपने बुटीक खोला, तो कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली आए होंगे? इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं मेरे से ये काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन बिजनेस में हमेशा रिस्क लेना चाहिए और सो मैंने लिया। लेकिन हमेशा ये होना चाहिए कि आप जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें एकदम बहुत सा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत छोटे पैमाने पे काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बहन भाइयों ने ही सारा कुछ ख़रीद लिया मुझसे। अच्छा। तो ये फर्स्ट क्या फैमिली बिल्कुल
ये अचानक हुआ और शायद खुदा ताला को मुझे इस तरफ लाना था, सो मैं आ गई और वो मेरी पहली जो सेल थी उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ऐसे तो आप चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं जी, तो उसने आपको कैसे हेल्प किया आपके इस बिजनेस में? मैं 18 साल से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच हूँ। उनकी प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट समीना फाजिल हैं। पहले तो मतलब इतना फील नहीं हुआ कि वो मुझे किस तरह मोटिवेट कर रही हैं, लेकिन जब अचानक मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी पावर थे, मुझे एक्चुअल जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था वो वही थे। जैसे कहते हैं लोग कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि अक्सर ये कहावत जो है उल्टी हो जाती है कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ भी होता है। सो वो मेरी ताकत थे, मेरी पावर थे। जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि अब शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में समीना फाजिल का किरदार, जो वुमेन चैम्बर की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से मेरे कंधे पे हाथ रख दिया और मुझे पुश करना शुरू किया, यू कैन डू एवरीथिंग रिज़वाना, डू इट प्लीज़, आ जाएं आ जाएं। और मुझे याद है कि उन दिनों उनका एक्सपो हुआ था कन्वेंशन सेंटर में और मेरी इज्जत में मेरा हाल है 2 दिन रह गए थे। मुझे वो कहती हैं कि रिज़वाना आप काम करेंगे, आप स्टॉल लगाएंगे। मैंने कहा नहीं मैम, मेरी इज्जत में 2 दिन रह गए हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ। कहती हैं इतने दिन से घर बैठी हो, किसी ने कुछ पूछा है? नहीं, तुम काम करोगी, तुम स्काफ लपेट लो और बस खुद को प्रूव करो कि तुम कुछ कर सकती हो। चलो, फिर उन्होंने मुझे एक और लालच आप कह सकते हैं या बुलाने का बहाना कि रिज़वाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्टॉल दूँगी। Nice. और उस वक्त आई थिंक 20,000 उसका रेंट था, सो मैंने कर लिया वो काम। आपने हिम्मत कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस वक्त बड़ी डिप्रेस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अच्छी सेल हुई कि उस चीज़ ने मुझे दोबारा ज़िंदा कर दिया कि हाँ अब मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं उनकी इस एहसान को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया था हमेशा, उन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड के बाद मैंने बताया मेरे हस्बैंड मेरी सपोर्ट थे, लेकिन उनके बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैम, आफ्टर द डेथ ऑफ योर हस्बैंड हाउ हार्ड डिड इट बिकम? क्योंकि बीइंग अ सिंगल मदर और बीइंग अ वुमन स्पेशली इस माशरे में एग्जिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तब आपने जब घर से कदम बाहर रखा और आपने कहा, हिम्मत की कि मैं करूँगी अपने बच्चों के लिए कुछ, तब कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस आपके आए या जब आपकी हिम्मत टूटी कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती? एक सिंगल औरत का हमारे दौर में बाहर निकलना और रातों को देर से आना बड़ा मायूब समझा जाता था कि मगरिब के बाद बस आपने घर से बाहर नहीं रहना। ऐसे में मुझे अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ा, मुझे अपने बच्चों को थोड़ा अपने साथ लगाना पड़ा। मैं पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपो करने जाती थी, मैं पूरे मुल्क के नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपो करती थी। ऐसे में मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं किसी एक को साथ ले जाती थी, ऐसे में मुझे देर से आना भी मायूब नहीं लगता था। लेकिन मेरा एक ये भी मैंने ये सोचा है कि बल्कि मेरा ये तजर्बा रहा कि अगर आप सही रास्ते पे हैं आपको कोई भी तंग नहीं करता, आपकी तरफ कोई उंगली नहीं करेगा। अल्लाह आप बनाते। हाँ जी, आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, आप मुतमईन हैं, तो यू कैन डू एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और कामयाबी इसी तरह ही होती है। अच्छा, आप मुझे अपने कपड़ों के बारे में बताएं कि किस तरीके से ये डिज़ाइनिंग होती है, कितना टाइम लगता है? और मेरी बुटीक का नाम रिज कलेक्शन है और कलेक्शन में वैसे भी बहुत कुछ आ जाता है। मैं चारों सूबों, पाकिस्तान के चारों सूबों को रिप्रेजेंट करती हूँ, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। इसके अलावा मकबूज़ा कश्मीर की कढ़ाई, आज़ाद कश्मीर की कढ़ाई,
ये मेरी स्पेशल आइटम्स हैं। मैं सर्दियों में पूरा सीज़न पश्मीना पे काम करती हूँ, जिसमें चादरें होती हैं, जिसमें थ्री पीस सूट्स होते हैं और स्पेशली हैंडमेड होते हैं। और उसमें बड़ी मज़े की बात होती है कि कपड़ा भी हाथ का बना होता है और काम भी हाथ का होता है, तो ऐसे में काम करने का बहुत मज़ा हमें सर्दियों में आता है, क्योंकि सही मेरी जो पहचान है वो कश्मीरी कढ़ाई है। तो कढ़ाई में कितना टाइम लगता है अगर आप कढ़ाई करें कपड़े पे? डिपेंड करता है तो डेफिनेटली, लेकिन अगर छोटे से भी छोटा कढ़ाई का कोई डिज़ाइन बनाए कितना टाइम लगता है? देखें, एक कारीगर की मिसाल लें कि अगर वो जल्दी जल्दी स्टिच अगर आपका सूट कर देता है दर्जी, तो हार्डली उसको हाफ एन आवर लगता है। लेकिन एक अच्छा दर्जी जब आपका सूट बनाता है तो वो नज़र आता है। इसी तरह कढ़ाई के जो कारीगर हैं उनमें भी फ़र्क होता है। जितनी मेहनत और दिल लगी से काम किया जाए उतना ही वक्त लगता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कम से कम एक सूट हमारा हफ्ते में तैयार होता है। सही, और ये बड़ा डेलिकेट और बड़ी मेहनत लगती होगी डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़ी सीरियस बातें होगी प्रोफेशन से रिलेटेड। अब हम थोड़ी सी लाइटर नोट पे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आप कहाँ पैदा हुई? मैं रावलपिंडी में पैदा हुई। और वैसे आप कश्मीर के? मेरे इन-लॉज कश्मीर। अच्छा, मुझे खास उनसियत है इस सूबे से, इस इलाके से, कि मेरे इन-लॉज वहाँ से रिलेटेड हैं। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं। और आप सबसे छोटे? मैं छोटी। तो बचपन की कोई ऐसी याद आपको याद हो क्या, जब मोमेंट जब भूलती ना हो? ये शरारतें किया आपने बचपन में? शरारती मैं बहुत ज़्यादा थी, और हमारा घराना ऐसा था कि लड़कियों को तालीम के अलावा ख़ास तौर पे घरेलू कामकाज सिखाया जाता था। मेरा रुझान बिल्कुल इस तरफ नहीं था, और इस सिलसिले में बहुत डांट डपट होती थी मेरी। और मैं ये आज कहती हूँ कि ओहो, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे फोहड़ बच्चा था। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको मम्मी से डांट भी सबसे बहुत ज़्यादा पड़ती थी कि तुम घर के कामकाज की तरफ तवज्जो नहीं देती हो, लेकिन चूँकि मुझे कॉलम भी लिखना होता था, मैं शायरा भी थी। अच्छा। मैं कंपेयर भी थी और मैं एक स्टूडेंट भी थी, मुझे इन सब चीज़ों को इक्वली साथ लेकर चलना होता था। हमेशा से कुछ डिफरेंट करना था, आप चाहती थी आपकी एक पहचान? हमेशा घरेलू बच्ची नहीं थी ये मैंने जान के नहीं किया, ये खुद से होता चला गया। डेफिनेटली पैशन तो ये बिल्कुल ये खुद से होता चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ कि एक कारोबार चला रही हूँ। क्योंकि शौहर की डेथ के बाद तो ऐसा हो गया था कि ओहो शायद अब बच्चे तालीम छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने दिन रात मेहनत की और मेरे अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनत से बहुत ज़्यादा अजर दिया। बिल्कुल, फल तो मिलता है। आज माशाल्लाह मेरे बच्चे एजुकेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक बेटा इंग्लैंड में बेहतरीन जॉब कर रहा है इस वक्त, माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इस वक्त वो मोबिलिंग में माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब कर रही है। और मुझे बहुत फ़ख्र होता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे अब कामयाबी की हदूद को जी। बस मुझे ये था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और इनमें इतना हुनर हो कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे नाकाम ना हो। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं फ्री टाइम में, आप क्या करती हैं? मैं अपने घर को देखती हूँ, मैं पौधों को देखती हूँ, मुझे पौधों का बहुत शौक है। और नज़र भी आ रहे पौधे बहुत सारे आपके घर हैं। और हालांकि आजकल मेरी थोड़ी सी गफलत से वो थोड़े से ख़राब हो गए, लेकिन इंशाल्लाह अब चूँकि रमज़ान है और मैं घर पे ही हूँ तो मैं इनको तवज्जो दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, अपने बच्चों में आप सबसे ज़्यादा किसके साथ हैं? तो बेटी के साथ, बेटों के साथ? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो सामने होता है बंदा ये समझ रहा होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इसी से प्यार है, या मैं समझती हूँ कि जो परदेश चला जाता है बच्चा, इंसान समझता है सबसे ज़्यादा उससे प्यार है। फिर जो पास होता है वो बहुत आपकी हेल्प करता है, तो मैं ये समझती हूँ शायद मुझे उससे ज़्यादा प्यार। मैं इसका कुछ हकीकी जवाब नहीं दे सकती कि मुझे किससे ज़्यादा प्यार है। तो ये आप अपनी कलेक्शन मुझे दिखाएंगी? जी ज़रूर।
और इनमें कौन सा कपड़ा जिसपे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी है? मैंने आपको बताया कि मेरे पास चारों सूबों की वैरायटी होती है, जिसमें बलूची है, ये देखिए ये एप्लिक वर्क है, ये नेट के ऊपर एप्लिक वर्क बनाया गया है। नेट पे आम कपड़े से ज़्यादा मेहनत से काम होता है, क्योंकि ये कपड़ा लचकदार होता है और कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उनको हाथ से, मतलब सुई के साथ उनको इसके ऊपर अटैच किया जाता है, और ये काफ़ी मेहनत का काम होता है। और ये काफ़ी अच्छी फॉर्मल लुक है इसकी। जी, थैंक यू। और ये चिकनकारी है? ये चिकनकारी है जी, ये भी सारा हाथ का काम है। ये देखिए, इस पर आप अपने ऑर्डर के मुताबिक वाइट के ऊपर वाइट और कलर्ड के ऊपर कोई भी कलर्स अपने, मतलब ऑर्डर के मुताबिक आप बता सकती हैं तो हम बना देंगे। और अपनी मर्जी से भी अगर हम आपको कोई जी आप अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन दें तो हम आपको वो कपड़े पे बना देंगे। नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। और ये मर्दाना? जी, ये लाइए मैं, ये मर्दाना सूट्स हैं। आप देखें कि ये तारकशी का काम है, ये बहुत नफीस और ख़ूबसूरत काम है, मेहनत तलब काम है। आप ये देखें कि एक धागा भी आपको इधर से उधर नज़र नहीं आएगा, बहुत खूबसूरत। ये सारा हैंड वर्क है और इतने से भी पैच पे तकरीबन हफ्ता लग जाता है अगर आप हफ्ता लग जाता है आराम से। सही, और अगर काम रफ किया जाए तो वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो जितना नफीस काम होगा जाहिर है वो वक्त लेता है। उसके अलावा ये चिकनकारी है, ये बलूची कढ़ाइयाँ हैं, ये बलूचिस्तान का कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा ये पश्मीना की शॉल्स हैं जो मेरे पास बहुत वाफर मकदार में मौजूद होती हैं। मेरे पास बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस जिसमें कलमकार है, और ये टोटल हाथ का काम है, ये सारा सुई से बना है। तो आपके ड्रेसेस और चादरों की कहाँ से कीमत स्टार्ट होती है, प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे? शॉल्स तो आपको पता है कि पश्मीना की होती हैं, कम से कम प्राइस रेंज 3000 है, और उसके बाद जूँ कीमती चीज़ की तरफ आते हैं तो ज़ाहिर है प्राइस रेंज बढ़ जाती है। जैसे शातूश है, वो इस वक्त पश्मीना में सबसे कीमती हमारा प्रोडक्ट है, जिसकी कीमत लाखों में होती है, और उसके मतलब ख़रीदार बहुत कम होते हैं, लेकिन जिसको उस चीज़ की पहचान होती है वो बहुत खुशी से ख़रीदता है। अच्छा मैम, अगर आपसे कोई रابطہ करना चाहिए, आपसे ऑर्डर बनवाना चाहे तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं और कहां आके आपसे कपड़े खरीद सकते हैं? जी मैं बताती हूं आपको कि किस तरह कोई मुझसे रابطہ कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपको डिज़ाइन व्हाट्सएप कर सकती हूँ। उसके बाद बाइक या सर्विस या पार्सल सिस्टम के थ्रू आपको सामान भिजवाया जा सकता है। मैं इस वक्त जिन चीज़ों पे काम कर रही हूँ उसमें हैंडमेड के अलावा कैजुअल एंड पार्टी वेयर्स हैं। मैं जहेज़ और बरियां दोनों बनाती हूँ, और पार्टी वेयर मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जिनकी भी अभी शादी हो रही है मैं आपसे कांटेक्ट कर। जी जी, माशाल्लाह मेरी अपनी बेटी के तमाम ड्रेसेस मेरे ही डिज़ाइन किए हुए थे, और मेहंदी बारात वलीमे के ड्रेसेस तो बहुत ही अच्छे थे, सब ने बहुत तारीफ़ की, और उसकी वजह से माशाल्लाह मुझे एक दो अच्छे ऑर्डर्स भी मिले। मैम एंड पे मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी यूथ के लिए और उन लोगों के लिए जो ड्रीम देखते हैं बड़े बड़े यानी उनको पूरा नहीं कर पाते, आप उनके लिए मोटिवेशनल कोई बात करें, कोई मैसेज उनके लिए? सबसे पहले तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपनी बच्चियों की शादी करने लगें उससे पहले उन्हें इतनी तालीम ज़रूर दें, एक हुनर ज़रूर उनके हाथ में पकड़ा दें कि ज़िंदगी के किसी मैदान में अगर उन्हें हालात से जंग करनी पड़े तो उनके पास कम से कम हथियार तो मौजूद हों। बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि अनपढ़ और बग़ैर किसी हुनर के आप बच्चों की शादियां कर दें, और इस तरह को ज़िंदगी के किसी मैदान में अगर खुदा न खास्ता जैसे मुझे मुश्किल पेश आई तो ऐसे में अगर उन्हें कुछ काम करना पड़े तो वो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो उनमें कॉन्फिडेंस होगा ना हुनर होगा, उन नए तरीके से उन्हें समझ ही नहीं आ रही होगी कि हमें अब कैसे चलना है। तो मेरी वालदैन से भी ये गुजारिश है
कि वो अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे इतनी तालीम ज़रूर दें, इतना हुनर ज़रूर दें कि वो अपने लिए कम से कम कोई रास्ता चुन सकें। और बच्चियों से जो यूथ है उनसे गुजारिश है कि हर काम करने से पहले ये सोचें कि हमें पहली सीढ़ी पे पांव रखना है। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम आप ये ना समझें कि ओ हमने ये कारोबार करना है और बहुत बड़ा कारोबार करके बैठ जाएं और फिर आप यूं बैठे कस्टमर की राह देख रहे हों। हमेशा छोटे पैमाने से शुरू करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसी तरह यहाँ तक पहुँची और मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला के कि उसने हर हाल में मेरी मदद की, हर रास्ते पे मेरी मदद की। बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच मिस रिज़वाना, आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ शो का वक्त हुआ ख़त्म। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा और इनकी तरह आप हार नहीं मानेंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।